दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों गर्मियां आते ही सभी फ्रिज का ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये पानी हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गर्मी शांत करने के चक्कर में हम 3 से 4 महीने तक ये पानी पीते रहते हैं और अपनी बॉडी को डैमेज करते रहते हैं। दोस्तों आजकल के लोगों की ये आदत हो गई है कि सवेरे उठते ही बासी मुंह में ही फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये जो ठंडा पानी वो सवेरे उठते ही पीते हैं ये शरीर को कितने गंभीर तरीके से डैमेज कर रहा है। दोस्तों आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अनुसार फ्रिज का बहुत ठंडा पानी सवेरे के वक्त पीने से आपका डाइजेशन खराब होने से लेकर इम्यून सिस्टम तक सब वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे शौक से फ्रिज का ठंडा पानी सवेरे के वक्त पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप सवेरे के वक्त फ्रिज का ठंडा पानी पीने के इन नुकसानों के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं जान जाओगे, तो आप यकीनन सुबह उठते ही सवेरे फ्रिज का ठंडा पानी पीने की बजाय मटके का पानी पीना पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि सवेरे बासी मुंह फ्रिज का ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए और इससे क्या क्या शरीर को नुकसान देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। जी हाँ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हम सभी तरह के कीटाणुओं से बचे रहते हैं और छोटे मोटे वायरस हमारे ऊपर असर नहीं डाल पाते, लेकिन ठंडा पानी बॉडी टेम्परेचर को कम कर देता है। इससे इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और बीमारियां होने लगती है। दोस्तों इससे आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाँ, यह एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि गले में होती है। दोस्तों इस बीमारी के होने का कारण आपका फ्रिज का ठंडा पानी हो सकता है। देखा जाए तो ठंडे पानी के आदि हो चुके हर किसी इंसान को यह बीमारी पकड़े हुए है। इससे आपको बोलने में समस्या होती है और आपका गला भी दर्द करने लगता है। अगर इसका इलाज अगर आपने टाइम पर नहीं करवाया तो आपकी जान भी जा सकती है, इतनी गंभीर ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों सिर में दर्द आपको इसकी वजह से हो सकता है। जी हाँ, फ्रिज के पानी की ठंडक इतनी ज़्यादा प्रभावपूर्ण और इतनी ज़्यादा घातक होती है कि यह आपको सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या में उलझा सकता है। दोस्तों फ्रिज का ठंडा पानी आपके सिर में रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे सर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों यह फेफड़े के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जी हाँ, फ्रिज का पानी पीने से फेफड़े में कई तरह की समस्या आ सकती है। इससे आपको सांस लेने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे आपकी सांस भी तेज हो जाती है, जिसे आप सांस फूलना भी कह सकते हैं। इसलिए आप फ्रिज के पानी का कम से कम सेवन करें। फ्रिज के पानी की जगह पर आप मटके का पानी पियेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर अगर आप पानी को गुनगुना करके पियेंगे तो उससे ना सिर्फ ये सारे साइड इफेक्ट दूर होंगे बल्कि शरीर को वो अनमोल फायदे होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इससे आपका पेट खराब हो सकता है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज में पानी सामान्य से काफ़ी कम तापमान पर होता है और कुछ लोग तो चिल्ड पानी पीने के शौकीन होते हैं। बाहर का तापमान 40 के 5 पहुंच रहा है, इसलिए इसके सेवन से सेहत को नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आपका पेट बुरी तरीके से खराब हो सकता है। दरअसल दोस्तों जब सामान्य तापमान वाला पानी हम पीते हैं तो बड़ी आंत अपने मोशन पर काम करती है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो इसके मोशन पर असर पड़ता है और यह अपना सामान्य काम नहीं कर पाती है। इससे पेट की समस्याएं होंगी, पेट साफ नहीं होगा और गैस जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इसके अगले साइड इफेक्ट की दोस्तों, जो कि है आपका शरीर का सिस्टम बिगाड़ कर रख देना। दोस्तों पेट में पाचन प्रक्रिया के लिए बनने वाला एसिड सामान्य तापमान पर बनता है, लेकिन जब आप सुबह खाली पेट बासी मुंह ठंडे पानी का सेवन करते हैं तो इससे उसका असर उल्टा हो जाता है और यह प्रक्रिया नहीं बन पाती। और इससे होता क्या है,
इससे आपका पाचन क्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कब्ज की शिकायत आपको हो सकती है। इसके लगातार सेवन से कब्ज की समस्या आपकी बढ़ सकती है। इससे शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और अन्य बीमारियां भी आपको हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम भी ठंडा पानी से हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि फ्रिज का पानी पीने से सर्दी या खांसी हो सकती है। उनके अनुसार जिस तरह सर्दी में ज़्यादा गर्म पानी सेहत को नुकसान करता है, उसी प्रकार गर्मी में ठंडा पानी भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तापमान में अंतर होने से गला खराब हो सकता है, जिससे टॉन्सिल्स तक हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं इसके आखिरी साइड इफेक्ट की, जो कि है गले के लिए बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम दिखना। जी हाँ, आपको बता दें कि नाक, कान व गला के एक एक्सपर्ट के मुताबिक गर्मियों में फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी गले के लिए बिल्कुल जहर के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर फ्रिज में रखा हुआ पानी ही पीना है तो वह एक निश्चित तापमान तक ही होना चाहिए। उनके मुताबिक घड़े का पानी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसमें ठंडक एक निश्चित तापमान पर होती है। साथ ही यह मिट्टी का होने की वजह से पानी का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, घड़े का पानी पीने से आपके गले में कोई नुकसान नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन उसके ठीक उलट, अगर आप सुबह सुबह बासी मुंह फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो इससे आपका नाक, कान, गला बुरी तरीके से प्रभावित होता है और आपको शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे साइड इफेक्ट जो आपको सवेरे उठते ही बासी मुंह सुबह ठंडा पानी पीने से मिलते हैं। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए सुबह बासी मुंह कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए। कोशिश करें कि घर में पड़ा मटके का ही पानी आप पिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे और इन सारे साइड इफेक्ट से दूर रह पाएंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।